आम आदमी पार्टी ने एक झटके में दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस को पटखनी दे दी, जिसके बाद उत्तराखंड में बहस शुरू हो गई है कि क्या अब इस राज्य में भी ऐसा होना संभव है। स्थानीय परिस्थितियों की दुहाई देकर राष्ट्रीय दलों के महानुभाव तो इस बात से इनकार कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। आम आदमी पार्टी ने एक झटके में कभी खास रही कांग्रेस और बीजेपी को दिल्ली की सियासत में आम बना दिया। जनता के दिल में आपके लिए प्यार ने इन दोनों पार्टियों को विश्लेषण के लायक भी नहीं छोड़ा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सुनामी के बाद उत्तराखंड में भी तीसरे विकल्प पर बहस शुरू हो गई है। सवाल ये उठता है कि क्या राज्य की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती मिलना मुमकिन है? क्या उत्तराखंड क्रांति दल की जगह कोई और करिश्मा करने की स्थिति में है? आगे की राम कहानी तो बाद में, लेकिन पहले सुनिए दिल्ली में बेआबरू हुई देश की इन दोनों बड़ी पार्टियों के नेता क्या मानते हैं। दिल्ली में तो तीसरा विकल्प बहुत दिन से आंदोलन धरने प्रदर्शन कर रहा था, और यहाँ चूंकि राष्ट्रीय भावना से जुड़े मुद्दों पर लोग रहते हैं, राष्ट्रीय सहमति उत्तराखंड में बनी, इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों का अभी तक कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया, इसलिए यहाँ इसकी बहुत कम संभावना है। सरकार प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, काम करने का, हरेक की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई घबराहट नहीं, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का 10,183 बूथों में एकदम कार्यकर्ता खड़े हैं, सिपाही खड़े हैं, और आने वाला समय 2017 एकदम भारतीय जनता पार्टी का होगा, ऐसा हम पूरे विश्वास के साथ धमकी के साथ बात करते हैं। दरअसल रस्ते जल गई लेकिन बल नहीं निकला वाली कहावत इन दोनों पार्टियों पर सटीक बैठती है। वैसे राज्य गठन के बाद पिछले 14 सालों के दौरान सत्ता की बागडोर कांग्रेस बीजेपी के हाथों में रही है, जिसकी प्रमुख वजह ये थी कि इकलौते क्षेत्रीय दल UKD ने राज्य आंदोलन की लड़ाई की अगुवाई तो शिद्दत से की, लेकिन अहम का शिकार उसके क्षत्रप कभी जिम्मेदार राजनीतिक आचरण नहीं दिखा पाए। नतीजतन कांग्रेस और बीजेपी की सियासी जमीन मजबूत हुई और दुर्गति का शिकार UKD इनकी पिछलग्गू बन गई। शायद यही वजह है कि दिल्ली में आपकी सफलता के बावजूद UKD कोटे के कैबिनेट मंत्री प्रीतम पवार छाती चौड़ी कर ये कहने की स्थिति में नहीं है कि उत्तराखंड में ऐसा हो सकता है। अलबत्ता निर्दलीय कोर्ट के कैबिनेट मंत्री दिनेश धनय का कहना है कि दिल्ली जैसे नतीजे ना पहले कभी आए हैं और ना कभी आएंगे। देखिए, दिल्ली के जो चुनाव परिणाम आए हैं वास्तव में चौंकाने वाले भी हैं, और परिवर्तन इतना बड़ा हुआ है, लेकिन चलिए वहां पर क्या परिस्थितियां रही हैं वहां के लोग जानते हैं। अपने उत्तराखंड में आने वाले टाइम पर किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी ये उस पर निर्भर करेगा। नहीं, दिल्ली दिल्ली है, दिल्ली का विकल्प कहीं हो सकता, और जो दिल्ली का राजनीतिक परिदृश्य है वो किसी दूसरे राज्य में नहीं हो सकता। मतलब ये कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चाहे जो धमाल किया हो, लेकिन उत्तराखंड में अभी दूर की कौड़ी है। अब देखना ये होगा कि क्या दिल्ली के नतीजों से सत्ता के नशे में चूर कांग्रेस और बीजेपी कुछ सबक ले पाती है या फिर नहीं। उत्तराखंड के वजूद में आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से सत्ता में भागीदारी करती रही हैं। UKD ने राज्य आंदोलन की लड़ाई तो लड़ी, लेकिन राज्य बनने के बाद क्षेत्रीय विकल्प नहीं बन पाया, जिसके लिए उसकी लीडरशिप जिम्मेदार रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उभार के बाद सवाल ये उठता है कि क्या उत्तराखंड में भी ऐसा संभव हो पाएगा। कैमरामैन गौरव पंत के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून समाचार प्लस। और देहरादून से आपको अहम खबर बता दें, जहां विवादित पैसिफिक बिल्डर पर अब MDDA का शिकंजा कसेगा। सील हुए इलाकों की MDDA अब वीडियोग्राफी कराएगा। सीलिंग के बावजूद काम जारी रखने से सचिव खासा नाराज हुए हैं। तो निर्माण हुआ है तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे इंजीनियर, ऐसा सचिव का कहना है। इसके साथ ही MDDA सचिव ने अभियंताओं से पूरी रिपोर्ट भी तलब की है। तो अब पैसिफिक जो है, विवादित पैसिफिक पर अब जरूर कार्रवाई होगी। विवादित पैसिफिक हिल अपार्टमेंट सीलिंग की कार्रवाई के बाद कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि आखिर सरकार साल 2005 से मनमानी पर उतारू बिल्डर के खिलाफ कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं ले रही है। उत्तराखंड में साल 2005 से पैसिफिक बिल्डर की मनमानी चल रही है।
विवादित प्रोजेक्ट पैसिफिक हिल अपार्टमेंट में सीलिंग की कार्रवाई रोकने के लिए बिल्डर ने पूरी ताकत लगा दी थी। अब सवाल उठ रहा है कि बिल्डिंग हाइट से छेड़छाड़ हुई और जिम्मेदार अभियंता आखिर क्यों सोते रहे। सवाल नगर निगम की भूमिका पर भी उठ रहे हैं कि उसकी जमीन पर जो कब्जा हुआ और मामला हाईकोर्ट पहुँचा, लेकिन नगर निगम की कमजोर पैरवी और खास डिमांड भी खूब सुर्खियों में है। लेकिन अब प्रोजेक्ट फंस गया है और बिल्डर से बायस भाग रहे हैं और पैसा वापस मांग रहे हैं। दो तरह के वायलेशन होते हैं, एक तो जो स्वीकृत मानचित्र है उससे भिन्न नगर निर्माण कर दिया है, दो वायलेशन है। दूसरा जो बिल्कुल बिना नक्शे के ही बना रहे हैं, लेकिन जहां तक कंपाउंड वॉल ऑफेंस की बात है, चूंकि व्यवस्था है हमारे पास, समन विधि है, तो उसका समन हम लोग करते हैं। वहीं संसदीय सचिव आवाज भी हैरान है कि नियमों की अनदेखी करके इतने बड़े प्रोजेक्ट कैसे बन जाते हैं। राजकुमार का कहना है कि जिम्मेदार अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो स्टार्टिंग से जेईई और एमडीडीए या नगर निगम के सभी अधिकारी को देखना चाहिए कि हमारी लैंड में बन रहा है, किसकी लैंड में बन रहा है, अगर अवैध बन रहा है, नक्शा पास है या नहीं है। लेकिन जब ये बन के खड़ा हो जाता है, सारी कुछ हो जाती है, तब उसमें सीलिंग के आदेश होते हैं। स्टार्टिंग में उसको अवैध कब्जे को रोकना चाहिए और अवैध कब्जे को रोका जाना चाहिए। यदि इस पर कोई दंडित मिलता है तो उसको दंडित भी करना चाहिए, अगर कोई गलती होती है तो उसको दंडित भी किया जाना चाहिए। पैसिफिक बिल्डर को एक और झटका एमडीडीए ने दिया है, उसका कंपाउंडिंग मैप भी खारिज कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो बिल्डर पर फिदा एक आईपीएस भी खूब पसीना बिल्डर को राहत पहुंचवाने के लिए बहा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत भले ही बिल्डरों पर अंकुश लगाने और सख्ती करने के दावे करते हों, लेकिन पैसिफिक बिल्डर के मामले में तो सरकार की सख्ती कम से कम नहीं नजर आती। जानकारों की माने तो बिल्डर की इस मनमानी पर सीधे मुकदमा दर्ज किया जा सकता था, लेकिन इससे बचा जा रहा है। वहीं यक्ष प्रश्न ये भी है कि क्षेत्र के जिम्मेदार अभियंताओं को अब तक सरकार ने कार्रवाई के टारगेट पर क्यों नहीं लिया है? क्या वास्तव में सरकार कार्रवाई कर रही है या महज खाना पूर्ति की जा रही है? कैमरामैन संदीप बड़ोला के साथ सुदीप जैन, देहरादून समाचार प्लस। वहीं दिल्ली में सीएम हरीश रावत ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। समाचार पत्र से खास बातचीत में सीएम ने बताया कि वित्त मंत्री से कुंभ मेले को लेकर चर्चा हुई। 2016 में होने वाले अर्ध कुंभ के लिए 500 करोड़ रुपए केंद्रीय निधि की मांग की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत राजधानी दिल्ली में मौजूद है और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से बैठक भी हुई है। रावत जी, वित्त मंत्री से आपकी बैठक हुई, प्रदेश में कौन कौन सी मांगे आपको लगता है? हमने ज्यादा फोकस इसमें तीन आपके स्पेसिफिक मांगों का रखा है। एक कुंभ के लिए हमको जल्दी पैसा दे दी है जो हमने प्रपोजल आपको दिए है। दूसरा, हमने उनसे कहा कि जो होटल ढाबे इत्यादि है आप यात्रा के क्षेत्र के, उसमें सर्विस टैक्स माफ कर दीजिए। और तीसरी बात, हमने कहा कि उन्हीं एरियाज के होटल्स आदि व्यवसायियों पर भी ब्याज बस 13, 14, 15, 16 का उसको माफ कर। सर, इससे पहले भी मुद्दों को केंद्र सरकार के सामने उठा चुके हैं, इस बार की बैठक के बाद कुछ पॉजिटिव साइन मिला कि जल्दी काम करनी चाहिए? सिल पर कड़क निशा हमारा प्रयास रहना चाहिए। हम विकास के कार्यकर्ता है, हमारी जिम्मेदारी है, हम बार बार अपनी बात को कहें। विजय बहुगुणा का सोनिया गांधी से मिले, उन्होंने कहा संगठन सरकार मंत्रिमंडल सब पर चर्चा हुई, मंत्रिमंडल कब हो उसके लिए आशान्वित है। और ये भी कहा गया कि विकास के विजन में कहीं ना कहीं कमी है सीएम के पास। आपका अपने नेता से मिले हैं, अच्छी बात है, जो कुछ कहा होगा अच्छा ही कहा होगा। आपकी कार्यशैली का भी सवाल उठा, हम तो कह रहे हैं कार्यशैली के लिए जो हमारे चौकटों में भी सवाल उठाए हैं, उनको घर में अपने दरवाजे के अंदर से उठाए हैं, उसको कोई हर्ज नहीं। चलिए, मुख्यमंत्री हरीश रावत के कहे तो कि माने और कुंभ से लेकर प्रदेश के विकास के लिए, टूरिज्म के विकास के लिए कई मुद्दों पर बात की गई। वित्त मंत्री से और अगर विजय बहुगुणा कांग्रेस के अंदर आला कमान से अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, इसमें कुछ भी गुरेज नहीं। कैमरामैन सनी महेश्वरी के साथ राहुल डबास, दिल्ली समाचार। विजय बहुगुणा और सीएम हरीश रावत की आपसी तकरार ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रखी है। बीते रोज एक बार फिर विजय बहुगुणा ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर हरीश रावत की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का कहना है कि विजय बहुगुणा पार्टी के बड़े नेता हैं, इसलिए उनको अपनी बात पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए। उपाध्याय ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि विजय बहुगुणा ने क्या और किस संदर्भ में कहा, लेकिन अपनी बात मीडिया की बजाय उचित तरीके से रखनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनके सुझावों को तवज्जो दी जाती है। Thank you.
मुझे क्योंकि मैंने देखा नहीं है उन्होंने क्या बयान दिया क्या कहा, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे मैंने आपको पहले भी कहा कि वो मुख्यमंत्री बरुणा जी के विरासत को भी आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हाईकमांड से केंद्रीय नेतृत्व से पार्टी में अपनी बात रखना कोई खराब बात नहीं है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक एक के बाद एक बगावती सुर दिखा रहे हैं। जहाल में घनसाली से भाजपा विधायक भीमलाल आर्य ने अपनी पार्टी से नाराज और मुख्यमंत्री की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, तो वहीं वे अपनी पार्टी से बगावत कर रहे हैं। अब पुरोला में भाजपा विधायक मालचंद ने भी अब मुख्यमंत्री हरीश रावत की जमकर तारीफ की है। विधायक से पूछने पर उनका कहना था कि मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं और वो उन्हें आगे भी मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तारीफ करने से उन्हें कोई हर्ज नहीं है। बीजेपी विधायक मालचंद ने सीएम हरीश रावत की तारीफ क्या की, बीजेपी डिफेंसिव मोड में आ गई। प्रदेश महामंत्री नरेश बंसल का कहना है कि विधायक मालचंद ने यह बात सामान्य शिष्टाचार और क्षेत्रीय समस्याओं के चलते तारीफ की होगी, इसलिए से बीजेपी विधायकों के सीएम प्रेम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। प्रदेश सरकार में तो पूर्व सीएम विजय बहुगुणा खुद ही सीएम हरीश रावत की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी विधायक मालचंद ने बड़कोट में एक कार्यक्रम में कहा था कि देवी देवताओं से दुआ करेंगे कि हरीश रावत फिर से मुख्यमंत्री बने। अब ये शिष्टाचार होता है, उस शिष्टाचार का पालन उन्होंने किया होगा, इससे ज्यादा मैं उसे कुछ नहीं समझता। वो कालखंड इस प्रकार का हो गया कि कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई, हो सकता है उनके क्षेत्र की कुछ समस्या ऐसी होंगी जिनके लिए तारीफ करना, जिनको कराने के लिए करना जरूरी होगा, वो करने के बाद भी होंगी कि नहीं होगी अभी तो ये नहीं कहा जा सकता। प्रदेश में बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रकाश पंत ने राज्य के दिवालिया होने की आशंका जताई है। पिथौरागढ़ दौरे पर आए पंत ने कहा कि राज्य 32,000 करोड़ रुपए के कर्ज तले दबा है, जिस कारण प्लान और नॉन प्लान बजट में भारी अंतर आ गया है। पंत ने इस वित्तीय संकट के लिए कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में आर्थिक विकास की तमाम संभावनाएं होने के बावजूद सरकार आर्थिक स्रोतों को नहीं खोज पा रही है, जिस कारण पिछले 3 सालों में राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। पंत ने दावा किया है कि अगर यही हाल रहा तो राज्य एक दिन दिवालिया होने की कगार पर आ जाएगा। रिसोर्स जिनको कहते हैं वो 3 साल के अंदर राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत अत्यंत दयनीय हो चुकी है। राज्य इस समय गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। राज्य पर जो आर्थिक बोझ है वो 32,000 करोड़ से अधिक का हो चुका है, और उसके साथ साथ हमारा जो गैर योजना मत का और योजना मत के मध्य जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। और अगर यही स्थिति रही तो हमारे अर्थशास्त्री इस संकेत को दे रहे हैं कि ये राज्य कहीं बैंकक्रप्ट होने की स्थिति में ना आ जाए। और आज हम आपको ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां निकलती तो है दूसरी नदियों की तरह पहाड़ों से, लेकर इसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। नैनीताल के बीरभट्टी इलाके में बहने वाली बलिया नदी का नजारा मन में कई सवाल खड़े कर देता है। देखने में नदी बिल्कुल सुनहरी है, नदी के दायरे में आने वाले सभी पत्थर सुनहरे हैं। खूबसूरती ऐसी है कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। इस गोल्डन नदी का रहस्य दिन ब दिन गहराता जा रहा है। नदी के पत्थरों पर एक तरह का पीला पदार्थ है जिससे पत्थरों का रंग बदल रहा है, लेकिन ये पदार्थ क्या है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। गोल्डन नदी की खबर के बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूगर्भ विभाग के वैज्ञानिकों में भी हड़कंप मचा है। बलिया नदी की जाँच के लिए 15 फरवरी को वैज्ञानिकों का एक दल बलिया नदी पहुँचेगा। जो ये पानी जो आप कह रहे हैं दरिया 1 किलोमीटर तक जो गोल्डन कलर कह रहे हैं वो सल्फर है, और भूविज्ञान की भाषा में सल्फर का मतलब है फॉल्ट। और हमें ऐसा लगता है कि आज तक तो था नहीं, ये अभी अभी मुझे ऐसा लगता है जो आप बता रहे हैं ये रिसेंट बात होगी, अभी अभी की बात होगी ये कल। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कोई नया फॉल्ट, कोई नया भ्रंश हो सकता है उत्पन्न हो रहा हो उसमें। पहाड़ी इलाकों में होने वाले बुरांश के फूल का इस्तेमाल अभी प्रदेश में व्यवसायिक तौर और वैज्ञानिक तौर पर नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण इन फूलों को केवल अपने निजी इस्तेमाल में इसका जूस निकाल रहे हैं। कुछ एक स्थानों पर इसका व्यवसायिक इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन उसका दायरा बहुत सीमित है। बुरांश के जूस के इस्तेमाल से शरीर के अंगों को खासा फायदा होता है।
हार्ट, किडनी, लीवर के साथ ही रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने और हड्डियों के सामान्य दर्द में भी बुरांश के जूस से राहत मिलती है। अकेले पौड़ी जिले में ही इसका लगभग 1000 लीटर का कारोबार प्रतिवर्ष हो पा रहा है। बुरांश के जूस की प्रति लीटर कीमत 70 से 90 रुपए तक है। सरकारी यदि इस फूल के वैज्ञानिक दोहन और वैज्ञानिक विधि से इसके जूस बनाने के लिए प्लान तैयार करें तो यह राज्य का राजस्व बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। इस फूल के जूस की मांग प्रदेश में ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी है। अच्छी डिमांड है और साल भर में 5-6 हजार लीटर के लगभग सारा जूस निकल जाता है और ज्यादातर ये यूपी में और उत्तराखंड से बाहर ज्यादा जाते हैं। लीटर में हम 80 रुपए लीटर बेचते हैं इसको और एक 5 लीटर में बेचते हैं तो कम कर देते हैं 70 रुपए लीटर के हिसाब से 350 की केन देते हैं। ये लीवर डिजीज वगैरह में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आता है और किडनी में भी अच्छा आता है। ये मूत्रण होता है तो जिससे जो है पेशाब जो है साफ आता है तो जो डिजीज होती है किडनी की मैक्सिमम जो है वो क्योर हो जाती है इससे, इसलिए सभी को इसका यूज करना चाहिए। और थोड़ा बहुत देखा गया है कि अगर जूस में जो है शुगर ना मिलाई जाए तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है, तो अच्छा ही रहता है। अगर इसको यूज करें सीजनल तो बुरांश का बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। रोमांच के शौकीनों के लिए 17 से 19 फरवरी तक गंगा कैकिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश विदेश से आने वाले प्रतिभागी गंगा के लहरों में इस साहसिक खेल का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में 9 देशों के लगभग 120 से भी अधिक क्याकर्स भाग लेने के लिए तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। कैकिंग प्रतियोगिता का आयोजन ऋषिकेश में किया जा रहा है जिससे उत्तराखंड के पर्यटन को लाभ मिलेगा। गंगा में रोमांच के लिए 17 से 19 फरवरी तक देश विदेश के क्याकर्स जुटेंगे जो गंगा की लहरों पर कैकिंग के जरिए करतब दिखाएंगे। इससे साहसिक खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे पास एक्चुअली एनुअली एक कायक फेस्टिवल होता है जो इंटरनेशनल कायकिंग फेस्टिवल है। इसमें करीब 120 से ज्यादा लोग पार्टिसिपेंट होंगे। करीब अभी तक जो हमारी इंक्वायरी जो आई है करीब 9 देशों से लोग हैं। इसमें जो फायदा है हमारे पूरे एक तो पूरे देश का, प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का नाम हम प्रमोट करना चाह रहे हैं इस कायकिंग फेस्टिवल के थ्रू। कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा ने केंद्र सरकार के 8 महीने के कार्यकाल पर निशाना साधा। पिथौरागढ़ दौरे पर आए टम्टा ने आरोप लगाया कि केंद्र में बीजेपी सरकार के काबिज होने के बाद से ही पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के हितों में साथ जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है। टम्टा ने कहा कि यूपीए सरकार में सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण टनकपुर बागेश्वर रेलमार्ग को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से महत्वपूर्ण रेलमार्ग ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। से बागेश्वर रेल था जिसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया था। टनकपुर से जौलजीवी, रामनगर से चौखुटिया जो रेल मार्ग थे उनको मंजूरी दी गई थी। इसी के साथ सड़क में सीमा के हिसाब से सैन्य सामरिक दल से 100 किलोमीटर की दूरी हमारी कम हो रही थी। टनकपुर जौलजीवी मोटर मार्ग को भारत सरकार गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी, अब सारा काम हो चुका है। लेकिन जो बजट पहले आया था जून के महीने में उसमें भी उस पर मोदी सरकार ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल का कहना है कि विजय बहुगुणा सूबे के मुखिया रहे हैं लिहाजा राज्य के हित में सीएम हरीश रावत न्यायविद रहे। बहुगुणा के सुझाव हमेशा मानते हैं। आपको बता दें कि विजय बहुगुणा ने दिल्ली में मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। अग्रवाल का कहना है कि खुद न्यायविद रहे बहुगुणा के काम राज्य के लोगों को आज भी याद है। उनके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री को हाईकमान के सामने बात रखने का हक है। अग्रवाल ने कहा कि विजय बहुगुणा की बात को शिकायत नहीं माना जाना चाहिए। सोनिया जी से मिलकर मार्गदर्शन लेना, अपनी बात कहना, अपनी भावनाओं से पार्टी नेताओं का अवगत कराना ये तो हर कार्यकर्ता का अधिकार होता है। मुख्यमंत्री के रूप में कई अच्छे कार्य विजय बहुगुणा जी ने किए जिनको जनता अब तक याद करती है। हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री रूप में स्पष्ट कहा है कि जो जो सुझाव विजय बहुगुणा जी दिए हम सब मानते हैं, सब मानेंगे। रुड़की के नारसन ब्लॉक में लहबोली के ग्राम में ग्रामीणों ने मनरेगा में हुए घोटाले को लेकर ब्लॉक पर जमकर प्रदर्शन किया और ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और डीसीओ पर घोटाला करने का आरोप लगाया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा में उन लोगों का नाम गलत तरीके से शामिल किया गया है जो चल भी नहीं सकते, उन्हें भी मजदूर बना दिया है।
ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी ने गांव के ऐसे बुजुर्गों को भी मजदूर बना दिया है जो मजदूरी के लायक भी नहीं। योजना के तहत काम करवाने वालों की सूची में कई लोग ऐसे भी हैं जो ठेकेदार होने के साथ ही कारोबारी भी हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो 45 से 50 बीघा के जमीन के जमींदार हैं। राजनीतिक मामला नहीं है, जिन लोगों को मजदूर बनाया है उन लोगों ने ही शिकायत की है प्रधान के और ग्राम विकास अधिकारी के। ये सब ये ग्राम विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी सब लोग मिले हुए हैं, ये पूरा ही तीनों का फर्जीवाड़ा है। 38 लोगों के उन्होंने अकाउंट खुलवाए हैं और 4,72,000 रूपये घोटाला है। तो हमारे गांव लहबोली में घोटाला जब से ये योजना शुरू हुई है 2011 से तब से चला रहा है, लेकिन 14-15 का जो मामला है ये प्रधान ने 38 लोगों के खाते खुलवाए जो पूरा ही फर्जी है। नई टिहरी में जिला पंचायत की ओर से आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय बसंत उत्सव मेला 12 फरवरी से चल रहा है जो आज तक चलेगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया था, लेकिन ये बसंत उत्सव राजनीति की भेंट चढ़ गया है। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष को निमंत्रण नहीं दिया गया, साथ ही कई प्रबुद्ध और युवकों को बसंत उत्सव मेले में न्योता नहीं दिया गया, जिससे नगर पालिका अध्यक्ष और दुग्ध संघ अध्यक्ष ने मेले का आयोजन करा रही समिति के विरुद्ध नाराजगी जताई है। वहीं पालिका अध्यक्ष का कहना है कि नई टिहरी शहर में नगर पालिका अध्यक्ष पहला व्यक्ति होता है। शासकीय मेले या शासकीय कार्यक्रम झील में या नई टिहरी शहर में होते हैं तो उन सबकी व्यवस्था नगर पालिका ही करती है और जिला पंचायत वर्तमान में जो मेला करा रही है उसकी सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका की नगर पालिका की, लेकिन इनके द्वारा प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई भी इन्विटेशन नगर पालिका चेयरमैन को नहीं दिया गया जो सही नहीं है। प्रोटोकॉल बनता है कि कम से कम ये लोग मुझे भी इन्विटेशन देते। इसी प्रकार चंबा नगर पंचायत हमारे सबसे नजदीकी नगर पंचायत है, टिहरी के अंतर्गत आती है और उनके नगर पालिका नगर पंचायत चंबा के अध्यक्ष जी को निर्देश लगाए।